नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर आगमन होना है। वे यहां दो वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्रा ने टाटा नगर स्टेशन में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में आगमन होना है। इस क्रम में उनके द्वारा वह दो वंदे भारत ट्रेनों का भी हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। इसे देखते हुए साउथ ईस्टर्न रेलवे के GM अनिल कुमार मिश्रा टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वर्तमान समय में टाटा नगर रेलवे स्टेशन से होकर रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरती है। संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि चक्रधरपुर मंडल में और दो वंदे भारत, जो कि एक टाटा नगर से पटना और एक टाटा नगर से उड़ीसा के लिए जाएगी। इन दोनों ट्रेनों को 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसे लेकर रेल प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इन सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे के GM अनिल कुमार मिश्रा टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुँचे और सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्लेटफॉर्म से लेकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। सुरक्षा से लेकर सारी व्यवस्थाओं के लिए उपस्थित TRM और ARM समेत रेलवे के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अब तक आधिकारिक तौर पर उनके कार्यक्रम को लेकर पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर पुष्टि होती है तो शॉर्ट नोटिस किस तरह से तैयार करना है, इसे लेकर भी तत्पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही डेवलपमेंट का कार्य शुरू होगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे में टाटा नगर रेलवे स्टेशन का अलग स्थान है। वर्तमान में स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या 5 है, इसे 3 और बढ़ाई जाएगी। सुरक्षा कवच की दिशा में भी रेल प्रबंधन द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, और यहाँ एक मेजर रिडेवलपमेंट का भी वर्क चल रहा है, इसको हम लोग बहुत ही जल्दी चालू करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे यार्ड रिमॉडलिंग का भी वर्क होना है, और अभी यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 3 और नए प्लेटफॉर्म एडिशन हो, और यहाँ से जैसे आपको मालूम है कि ऑलरेडी एक वंदे भारत यहाँ से गुजरती हैं, और अभी प्लान है कि एक और वंदे भारत यहाँ से उड़ीसा के लिए, और कुछ समय के बाद यहाँ से पटना के लिए भी चालू होगी। तो उसी के मेंटेनेंस और की फैसिलिटी को देखने के लिए आज मैं आया हूँ। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ठेकेदार रामजी पांडे के शास्त्री नगर आवास पर CBI की टीम ने अहले सुबह छापामारी की। एक अन्य ठेकेदार के यहाँ भी CBI रेड की सूचना प्राप्त हो रही है। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गिरिडीह के ठेकेदार रामजी पांडे के शास्त्री नगर के आवास में केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI ने बुधवार की अहले सुबह छापेमारी की। छापेमारी टीम में CBI के 3 अधिकारी भी शामिल थे। हालांकि छापेमारी में क्या मिला ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन कार्रवाई अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार FCI के एक और ठेकेदार संजय शर्मा के बरगंडा पावर हाउस के घर भी CBI की कार्रवाई होने की जानकारी मिली है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर पूर्व CM चंपाई सोरेन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टाइगर को भाजपाइयों ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। भाजपा के कार्यक्रमों में चंपाई सोरेन कोल्हान में कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उन्हें टाइगर कहते थे, लेकिन उन्हें भाजपा के लोगों ने पिंजरे में कैद कर दिया है। अब दावा करने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत चीज दावा करते हैं, जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। और बोलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे थे, पहले कहते थे कि टाइगर है, लेकिन टाइगर को सर्कस मैदान में ले जाके भाजपा के पिंजरे में कैद कर दिया, और भाजपा के रिंग मास्टर जो हैं, शेर को, सर्कस का शेर को जानते ना, रिंग मास्टर कैसे हाँ हो कराता है, वही करवा रहे हैं उनसे। अब उनको पहला, सबसे पहला सीख है कि भाई साहबगंज और कहाँ कहाँ बंगला घुसपैठी, फिर हिंदू मुसलमान, फिर ये सब बहुत टाइप का उनका शिक्षा होता है। वो शिक्षा अभी वो धीरे धीरे ग्रहण कर रहे हैं। तभी उनको 2-3-4 चीज़ बता दिया गया कि यही यही बोला है, वही बोल रहे हैं।
भुइयां डी मामले में मुंडा जी का और सरयू राय जी की जो भूमिका है उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर ये सारे जवाबदेही के जिम्मेवार जो हैं सरयू राय जी हैं। उन्हीं के कहने पर मुंडा जी ने एनजीटी को चिट्ठी भेजा और एनजीटी ने फिर इस टाइप का आदेश किया है, तो इसके लिए कसूरवार कौन है? कसूरवार ये हैं, यही दोनों लोग हैं। अब जो है बताइए, जो लोग सेंसिटिव जोन के नाम पर जिस तरीके से खेल खेला जा रहा है, जब तक मैं विधायक हूँ, मंत्री हूँ, किसी के भी घर को तोड़ने नहीं दूंगा। और ये गलत तरीके से एनजीटी को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। शहर के सबसे पुराने गणेश महोत्सव कदमा में 7 से 21 सितंबर तक चलेगा। 7 सितंबर को पंडाल का उद्घाटन उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास द्वारा किया जाएगा। शहर का सबसे पुराने बाल गणपति विलास द्वारा आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 7 सितंबर से 21 सितंबर तक लगातार इसका आयोजन होगा। 7 सितंबर को संध्या बेला में पंडाल का उद्घाटन उड़ीसा के राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया जाएगा। समिति के द्वारा विगत 106 वर्षों से पूजा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं इस बार भी यहां सबसे पुराने भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। श्री बाल गणपति विलास अपना 106वां जो है गणेश महोत्सव मनाने जा रही है। ये 16 दिनों का कार्यक्रम है और अभी जैसे कि सारा डिटेल आपको बताया है, सबसे पहले पंडाल का इनॉग्रेशन है। हमारे श्री रघुवर दास जी जो है पंडाल इनॉग्रेशन में मुख्य अतिथि हैं। उनके साथ विशिष्ट अतिथि में हमारे शेखर देव जी हैं और इनके अलावा हमारे बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सुधांशु ओझा जी और साथ में श्री आर रवि प्रसाद जी, वाई ईश्वर राव जी और अन्य गणमान्य लोग जो है उपस्थित रहेंगे। आस्तिक महतो जी भी आ रहे हैं। सरायकेला जिले के कपाली थाना अंतर्गत डोबो पुल के नीचे स्वर्णरेखा नदी तट पर एक व्यक्ति का शव पाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है पर अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। कपाली ओपी अंतर्गत डोबो पुल के नीचे स्वर्णरेखा नदी के तट से एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालने में जुटी। बता दें कि कपाली क्षेत्र में आए दिन नदी में नहाने पहुंच रहे युवाओं की मौत नदी में डूबने से हो रही है। इसमें छात्रों की संख्या अधिक है, लगभग हर महीने ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस शव के रेस्क्यू में जुटी है। एक अज्ञात बॉडी डोबो डैम डोबो ओवरब्रिज के नीचे पानी में डूब में मरने का शिकायत मिला था। उसके सत्यापन में हम लोग आए तो देखे कि पानी के ऊपर में एक बॉडी ऊपर आया हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रावती महतो के नेतृत्व में प्रधानमंत्री और शिवराज चौहान का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास विरोधी है। झामुमो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष चंद्रावती महतो ने कहा कि झामुमो सरकार महिलाओं के लिए मैया योजना समेत कई योजना चला रही है, लेकिन भाजपा के लोग विकास कार्य में बाधा पहुँचा रहे हैं। आज हम लोग ये जो बीजेपी सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो इतना हम लोगों का महिलाओं का मान सम्मान के लिए मैया सम्मान योजना इतना महत्वपूर्ण योजना चालू किए थे, उसका बीजेपी सरकार विरोध कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से, क्या आप लोगों ने बीजेपी सरकार जो पहले से बोल रही थी कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, क्या बीजेपी सरकार 15 लाख दी है? तलमा वन क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन में रहने वाले 85 गांवों को वन विभाग के नोटिस के बाद ग्रामीणों में हड़कंप व्याप्त है। ये कभी प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी विरोध स्वरूप मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। दलमा वन क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन में रहने वाले 85 गांव को वन विभाग द्वारा नोटिस किए जाने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप है। ग्रामीण कभी अनुमंडल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं मशाल जुलूस निकालकर वन विभाग को विरोध जता रहे हैं।
वन विभाग के नोटिस पर दलमा वन क्षेत्र के रेंजर दिनेश चंद्रा ने मामला को साफ करते हुए कहा कि इको सेंसिटिव जोन में रहने वाले किसी भी ग्रामीण का मकान नहीं टूटेगा। नोटिस मकान तोड़ने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि ये सर्वे के लिए नोटिस है। सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि इको सेंसिटिव जोन में रहने वाले कितने परिवार हैं, आने वाले समय में इको सेंसिटिव जोन में विकास का कार्य भी किया जाना है। तो हम यहाँ के जो भी ग्रामीण है 85 गांव के, ये आश्वासन नहीं लिखित रूप में हम देना चाहते हैं, अगर कोई लिखा ना कि हाँ कि कहीं भी हटाने की बात नहीं है, किसी को जानने की बात नहीं है। ये भ्रम 12 साल पहले भी फैलाया गया था कि दलमा इको सेंसिटिव जोन में आपको भलाई की ही बात हो रही है ना, प्रदूषण मुक्त होने बात हो रही है कि अच्छा जीवन मिले, पर्यावरण सुरक्षित रहे, खेत खलिहान में काम हो, जीव जंतु सुरक्षित रहे, इसी के लिए इको सेंसिटिव जोन का प्रारूप तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद से चंपाई सोरेन लगातार कोल्हान के दौरे पर है और उन्हें कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिलता नजर आ रहा है। झारखंड आंदोलनकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जीएमएम से बगावत करने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद वे लगातार कोल्हान के दौरे पर है, जहां भारी संख्या में उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता नेता उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में चंपाई सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा क्षेत्र के कुदादा गांव पहुंचे, जहां भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि उनके स्वागत में उमड़ता जनसैलाब व परिवर्तन की लहर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुझ पर विश्वास किया, इसे जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करेंगे। अलग राज्य बनने के बाद संथाल में आदिवासियों का अस्तित्व सबसे ज़्यादा खतरे में है और ये राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। वजह से अभी तक देख लिया कि किस तरह से जनता हर गांव हर टोला से आदमी निकल के स्वागत करते हैं, चाईवासा हमारा कार्यालय तक, यहाँ पर हमारा जिला कार्यालय, जो पार्टी का मीटिंग, कार्यकारिणी समिति का मीटिंग, तो इसीलिए आज पूरे झारखंड को देश या कोल्हान क्षेत्र के जनता एक परिवर्तन चाहते हैं। जिस तरह से हम रास्ता में आते हैं तो जिस तरह से जनता जो इमारत के रोड पर आ गया, ये परिवर्तन का लहर है। उधर राजेंद्र विद्यालय में बेताल फिर से उसी डाल पर बैठता नजर आ रहा है। मामला सिर्फ राजेंद्र विद्यालय का नहीं है, बेताल फिर से उसी डाल पर बैठता नजर आ रहा है। ये पुराना मामला है जो फिर से गर्मा गया है। अनुत्तीर्ण हुए बच्चों को प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा एक और मौका दिया गया, पर उनमें से अधिकांश टर्मिनल एग्जाम में क्लियर नहीं कर सके तो स्कूल प्रबंधन ने उन्हें रोक लगा दी है और उसके बाद अभिभावक एक बार फिर से अड़ गए हैं कि उन बच्चों को प्रमोशन दिया जाए। अपना बात रखने आए हैं प्रिंसिपल के सामने कि हमारे बच्चे जो भी कम मार्क्स लाए हैं उनको कम से कम रजिस्ट्रेशन करने दिया जाए, एग्जाम अटेंड करने दिया जाए, यहाँ पर रिपीट करने का बात हो रहा है प्रिंसिपल से, तो उससे बच्चे का 1.5 साल बर्बाद हो रहा है, जो कोई भी पेरेंट्स अग्री नहीं है इसके लिए। 8 महीने बच्चे यहाँ पर पढ़ लिए हैं, मतलब उतने साल से पढ़ रहे हैं, 12 साल से पढ़ रहे हैं, अब 3 महीने बाकी है एग्जाम का, तो उन्होंने बोल रहे फिर से रिपीट करो या फिर कोई और स्कूल में एडमिशन ले। काउंसिल का क्राइटेरिया के अनुसार वो लोग पास नहीं किए तो ये लोग बच्चे सब जाकर के SDO के पास जाकर के हम लोग एक अग्रीमेंट हुआ था कि बच्चों को हम लोग एक मौका देंगे, फर्स्ट टर्म स्टैंडर्ड 10 और स्टैंडर्ड 12 का मौका देंगे ताकि वो लोग पढ़ लिख करके प्रमोशन है। स्टैंडर्ड 11 में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म का सिलेबस था, वो लोग पास नहीं कर पाए। स्टैंडर्ड 12 में खाली फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, तभी भी बहुत बच्चे पास नहीं कर पाए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटी, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। Anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।